मंगलवार को महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले कांग्रेस आपका रिजर्वेशन छीन लेगी। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लोगों को जाति के आधार पर बांट रही है। हमें एक रहना होगा ताकि समृद्धि बनी रहे। उन्होंने कहा कि देश में 10% आबादी आदिवासियों की है, जबकि कांग्रेस इन्हें जातियों में बांटना चाहती है ताकि उन्हें कमजोर कर सके। यदि आदिवासी समुदाय बट गया तो फिर ये लोग उनकी पहचान को ही खत्म कर देंगे। हमें कांग्रेस की साजिश से बचना है और एकजुट रहना है। इस बार दिवाली का उत्साह दोगुना था। माताओं बहनों ने खुलकर खरीदारी भी की। कई सालों से जो काम अटके पड़े थे माताओं बहनों ने पूरा किया। उससे अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिली और यही बीजेपी का विजन है। प्रयागराज में परीक्षा की डेट को लेकर सोमवार सुबह से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रात भर उनको मनाने की कोशिश होती रही, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। यूपी के प्रयागराज में परीक्षा डेट को लेकर लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इन छात्रों ने कहा कि सीएम योगी नारा देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वही तो हमारी प्रमुख मांग है कि दो शिफ्ट में एग्जाम करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। वन डे वन शिफ्ट की हमारी मांग है। पेपर बटेंगे तो हमारा नंबर भी कटेगा। हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक आयोग हमें नोटिस नहीं देता। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर सकते हैं तो एक शिफ्ट में एग्जाम आयोजित क्यों नहीं करवा सकते। छात्रों ने कहा हम न बटेंगे, न कटेंगे और न ही हटेंगे। मुंबई पुलिस ने फैजान के खिलाफ BNS की धारा 308(4) और 3 के तहत केस दर्ज किया है, जिस नंबर से शाहरुख खान को धमकी दी गई थी वो फैजान के नाम पर रजिस्टर्ड है। फैजान छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है और वह पेशे से वकील है। उसके फोन से मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में SRK के नाम एक धमकी भरा कॉल आया था, जिसे 50 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। पुलिस की गिरफ्त में आते ही फैजान ने धमकी देने से इनकार किया। उसने दावा किया कि उसका मोबाइल गुम हो गया था, जिसकी शिकायत उसने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। हालांकि फैजान ने शाहरुख खान की फिल्म अंजाम के एक सीन को लेकर ऐतराज जरूर जताया था। मुंबई के एक होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक को बाधित करने के आरोप में 53 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान कानपुर निवासी शक्ति प्रकाश भार्गव के रूप में हुई है। शिवसेना UBT के नेता उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी लेने के मामले में चुनाव आयोग पर हमला करते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग अपना काम अच्छे से कर रही है। हमारे हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, कार सभी की तलाशी ले रहे हैं। अगर ये निष्पक्षता से किया जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं है। एक तरफ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास 25-25 करोड़ रुपए पहुंच गए। हेलीकॉप्टरों से 20-20 बैग लाया गया। हमारे सामानों की तलाशी ली गई, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कारों और हेलीकॉप्टरों की तलाशी ली गई? छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव की एक आदिवासी युवती को प्रेम जाल में फंसाकर दबाव पूर्वक मुंबई ले जाने वाले युवक फिरोज को माकड़ी पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किया। दरअसल पूरा मामला जून 2023 में ऑनलाइन गेम खेलने से शुरू हुआ था, जिसमें आरोपी फिरोज ने आदिवासी युवती को बातों में उलझाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और दबाव बनाकर जबरदस्ती मुंबई ले गया। वहां उसके साथ अनैतिक संबंध बनाता रहा। युवती वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गई और कोंडा गांव पहुंची। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी फिरोज को उत्तर प्रदेश के मुसाफिरखाना जिला अमेठी से गिरफ्तार किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता गणेश चौधरी के आवास पर आयकर विभाग ने छापेमारी की, जिसे लेकर कल्पना सोरेन ने भाजपा नेता चंपई सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि BJP प्रत्याशी की हार के डर से बौखला गई है, इसलिए चंपई सोरेन के इशारे पर छापेमारी की गई। वहीं दूसरी तरफ गणेश चौधरी पर ED की कार्रवाई को लेकर पूर्व CM चंपई सोरेन ने एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, हदस में इस कदर तुम पैदा जुनून मत करना, मुझे बदनाम करने को तुम अपना खून मत करना। कल्पना सोरेन ने कहा कि ED और CBI के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री को डराने का प्रयास किया जा रहा है। बिना किसी नोटिस के चंपई सोरेन और BJP के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर चौधरी पर कार्रवाई की गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि इससे जनता का विश्वास और बढ़ेगा।